हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन नॉलेज टीवी में मैं देवपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं एंड 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में एग्जाम दिए थे और उनके 3, 4, 2 सब्जेक्ट्स में रीअपीयर आ गए थे, उन्हें फेल घोषित कर दिया गया था, जिनके नोट क्वालिफाई तो किया गया था, अब उसको क्या करना है, इस दिन से उनके फॉर्म ऑनलाइन होने वाले हैं। अगर आप पूरे अपडेट जानना चाहते हैं इस वीडियो के अंत तक देख लीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आपको बता देता हूं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में जिन स्टूडेंट्स के एक से अधिक विषय में कंपार्टमेंट आई है, उनको अब क्या करना है, उनको हरियाणा ओपन स्कूल में फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिनके स्टूडेंट्स के 2 विषयों में, 3 विषयों में, 4 विषयों में या फिर सारे विषयों में कंपार्टमेंट आ गई थी और उन्हें नोट क्वालिफाई घोषित कर दिया था 10th और 12th में, ठीक है। लेकिन हरियाणा ओपन स्कूल में इस बार सभी को चौंका दिया है। हरियाणा ओपन स्कूल ने भी उन्हीं के आमंत्रित किया है जिनके एक सब्जेक्ट्स में रीअपीयर आया था, ठीक है। उन्हीं को हरियाणा ओपन स्कूल में जगह मिली है। सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं उन्होंने, ठीक है। तो इस बार तो आपको हरियाणा ओपन स्कूल में भी नहीं मिला, लेकिन आपको बता देते हैं जो सितंबर में एक बार फिर हरियाणा ओपन स्कूल में फॉर्म ऑनलाइन होंगे, ठीक है, तब आपको अप्लाई करना है। जिन स्टूडेंट्स के 2, 3, 4 या फिर सभी में रीअपीयर घोषित कर दिया गया था, उनको एक बार फिर से अप्लाई करना है। लेकिन उनका साल तो बर्बाद ज़रूर होगा, लेकिन हाँ, वह अप्लाई ज़रूर कर पाएंगे हरियाणा ओपन स्कूल में, ठीक है। उनके एग्ज़ाम मार्च अप्रैल 2020 में होने वाले हैं, ठीक है। तो ये छोटी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी, सभी के साथ आप भी शेयर कर दीजिएगा। सभी को इंतज़ार था कि हमारे फार्म कब निकलेंगे, हम फार्म कब भरेंगे, तो आपको मैं बता चुका हूँ कि आपके फार्म ज़रूर निकलेंगे, आप निराश न हो, ठीक है। और आपको हरियाणा ओपन स्कूल ही आपके एग्ज़ाम लेगा, ना कि हरियाणा रेगुलर बोर्ड। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। वह वीडियो यहाँ तक देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कर आप सभी का दिन शुभ रहे।